बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज जो हम सबक शुरू करने जा रहे हैं, ये आपकी रीडिंग बुक का सबक नंबर 9 है और इस सबक का नाम है इंटरनेट और ईमेल। और इस सबक को पढ़ने का मकसद है इंटरनेट और ईमेल की अहमियत से आगाह होना। जी बेटा, इंटरनेट और ईमेल के नाम से आप सब बच्चे वाकिफ़ हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और आजकल ईमेल के ज़रिए पैगाम रसानी जो है वो तेज़ तरीन हो गई है। पैगाम रसानी का ज़रिया जो है वो इंतहाई तेज़ हो चुका है। तो हम इस सबक की रीडिंग की तरफ जाते हैं। जी बेटा, यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के ज़रिए आप लोग क्या करते हैं कि ईमेल कंप्यूटर के साथ आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं और हम इंटरनेट के थ्रू फिर दूसरे मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पर हम एक दूसरे को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ईमेल भेज सकते हैं। तो जी, सबसे पहले ये आपके सामने आपकी रीडिंग बुक का पेज खुला हुआ है। अब इंटरनेट और ईमेल, इसके सबक को अगर देखें तो ये कवायद की रूह से मुरक्कब अदफ़ी है, क्योंकि इंटरनेट और ईमेल दो बामानी लफ्ज़ों के दरमियान में और आ रहा है और ईमेल का मायनी है बरकी ख़त। ठीक है, और इस सबक को पढ़ने का मकसद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराना, ईमेल के तरीके से आगाह करना कि ईमेल कैसे की जाती है, कैसे भेजी जाती है, इस सबक को पढ़ने का भी मकसद यही है। तो अब हम इस सबक की रीडिंग की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में तेज़ी से दाखिल हो रहा है। जी, मालूम का मीनिंग पता है, दाखिल का मुतज़ाद कवायद की रूह से ख़ारिज। अब इसका इस्तेमाल हर शोबे में नागुज़ीर हो गया है। नागुज़ीर हो गया है, नागुज़ीर का मायनी है अटल, ज़रूरी, यानी जिसके सिवा कोई और चारा ना हो, यानी ये लाजिम हो चुका है। स्कूल अलामत वक्फ़ा सिंगल कॉमा, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दफातर, दफातर कवायद होगा दफ्तर और दुकानें, और कवायद की रूह से यहाँ पे हरफ अतफ है। गर्ज, हर जगह कंप्यूटर पर मालूमात और हिसाब किताब रखा जाता है। मालूमात का मीनिंग वाकफियत। कंप्यूटर की अहमियत इंटरनेट ने मज़ीद बढ़ा दी है। जी, अब कंप्यूटर की अहमियत को किसने मज़ीद बढ़ा दिया? इंटरनेट ने। इंटरनेट की वजह से क्या है कि कंप्यूटर की अहमियत और बढ़ चुकी है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा आलमी जाल है, आलमी दुनिया भर से मुतालिक, इसका मायनी है दुनिया भर से मुतालिक। और कंप्यूटरों, यहाँ पे जमा इसका वायदे होगा कंप्यूटर, आलमी जाल है जो कि आपस में टेलीफोन लाइनों के ज़रिए एक मखसूस तरीक़ेकार के तहत जुड़ा हुआ है। मखसूस का मीनिंग है ख़ास किया गया तरीक़े काम, काम करने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट है, इंटरनेट की इब्तदा 1960 से हुई। 1960 कवायद की रूह से इसम मारफा है। कोई भी सन जो गुजर चुका होता है वो कवायद की रूह से इसम मारफा है। इस वक्त क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा, वो एक ही दफ़ा आया था और गुजर चुका। इस वक्त कंप्यूटर को केबल्स के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर से बाहम मिलाया गया। इस काम को नेटवर्क का नाम दिया गया है। नेटवर्क का मीनिंग है जाल, बाहम का मीनिंग आपस में। हम इंटरनेट के को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकासद, यहाँ पर जमा इसका वाहिद मकसद, जिसमें सबसे अहम ईमेल है। ईमेल का मीनिंग मैंने आपको बताया कि इसका बरकी ख़त। ईमेल पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है, पैगाम रसानी यानी पैगाम पहुँचाने का। हम ईमेल के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी तौर पर अपना पैगाम भेज सकते हैं। अगर हम यही पैगाम ख़त के ज़रिए भेजें तो ना सिर्फ हमारा डाक का खर्च आएगा बल्कि वक्त का भी ज़िया होगा। वक्त का जमा होगी औकात, और ज़िया का यानी ज़ाया होगा, हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। और ये भी और इसमें यह भी एहतमाल रहता है, एहतमाल, शक, डर, शुबा, कि पता नहीं ख़त पहुँचा भी है या नहीं। जी बेटा, आपने पहले सुना होगा कि जब ये इंटरनेट नहीं था, इससे पहले लोग एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, और वो एक डाक होता था, डाक खाना होता था, उसमें वो ख़त भेजा जाता था। डाक खाने में ख़त लिख के डाल दिया जाता था, और फिर वो हमें उसमें ये भी 100% गारंटी नहीं होती थी कि जिस बंदे को हमने ख़त लिखा है उसको वो ख़त मिला भी है या नहीं। तो उसके लिए ये इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी। इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल करते हैं, और ईमेल भी ये एक तरह से ख़त की ही किस्म है, यानी हम ईमेल टाइप करते हैं और जिसको ईमेल सेंड करनी हो उसका ईमेल एड्रेस लिखकर और हम उसको फ़ौरन से भेज सकते हैं। और हमें ये भी तसल्ली हो जाती है कि वाकई जिस बंदे को हमने ईमेल भेजी उसके पास हमारी ईमेल पहुंच चुकी है। जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें,
जी बेटा यहाँ पे आपको ये एक तस्वीर नज़र आ रही है। शुरू शुरू में जब कंप्यूटर ईजाद हुआ था तो कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ी शक्ल में था, जैसे आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा था। आप तो आपको पता है कि छोटे छोटे लैपटॉप की फॉर्म में कंप्यूटर आ गया है, आप इजीली अपने साथ भी इधर से एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर शुरू में बना था तो उस वक्त कंप्यूटर बहुत बड़ी शक्ल में, जैसे ये सामने आपको तस्वीर में आ रहा है कि बहुत बड़ा एक बोर्ड की फॉर्म में पूरी दीवार जैसा एक कंप्यूटर होता था, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी इसमें तब्दीली होती चली गई और इसको आहिस्ता करता है, इसको छोटा इसकी शक्ल होती गई। और आखिर अब यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आप देखते हैं कि कुछ कंप्यूटर वैसे हैं और कुछ हमारे पास लैपटॉप की फॉर्म में भी कंप्यूटर इतने आसानी, मतलब इसकी छोटी फॉर्म कर दी गई है कि हम आसानी से इसको उठा कर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जी उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग की तरफ देखें। इन खतूत का मुतबादिल ईमेल है, मुतबादिल दूसरी सूरत, खतूत यहाँ पे जमा है इसका वाहिद है ख़त, ईमेल बरकी ख़त। ईमेल लिखने के लिए हम ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जिसके ज़रिए हम किसी को ख़त भेज सकें, याहू हॉटमेल और जीमेल के ज़रिए ईमेल की जा सकती है। जी अब याहू ये आपके पास जो हैं वो याहू हॉटमेल और जीमेल आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनके ज़रिए आप एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। इन पर ईमेल करने के लिए इस वेबसाइट पर अपना ईमेल एड्रेस बनाना ज़रूरी है। अब इनके थ्रू अगर आपने किसी को मेल सेंड करनी है तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए इन वेबसाइट्स पे। ईमेल पे अगर आपने जीमेल के थ्रू करनी है तो आपका जीमेल का एड्रेस होना चाहिए, हॉटमेल के थ्रू करनी है तो आपका हॉटमेल का एड्रेस अपना भी होना चाहिए, और याहू पे करनी है तो आपका याहू का ईमेल एड्रेस अपना भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ईमेल के बटन को दबाकर हम एक ख़त नुमा सफ़ा पर आ जाते हैं। इस सफ़ा पर हम जिसको ईमेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, उसके नीचे एक खाने में ख़त का उन्वान लिखते हैं। इसके बाद जिसको ईमेल की जाती है उससे ताल्लुक़ की बुनियाद पर उसे किसी लकब से नवाजते हैं, लकब कौम की तरफ से दिया जाने वाला नाम होता है ना, ख़त लिखने लिख कर नीचे अपना नाम लिखते हैं और सेंड का बटन दबा देते हैं। ये बरकी ख़त फौरी तौर पर दूसरे फरीक को मिल जाता है, बरकी ख़त यानी ईमेल दूसरे फरीक यानी दूसरे को। उर्दू ईमेल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में उर्दू का सॉफ्टवेयर इन पेज मौजूद होना ज़रूरी है। इन पेज पर ईमेल बिल्कुल इसी तरह लिखी जाती है जैसे हम किसी को उर्दू में ख़त लिख रहे हों। जी बेटा आप लोगों में से कुछ बच्चों ने शायद ईमेल पहले भी की हो, या उनको किसी बड़े बहन भाई को आप लोगों ने घर में या पेरेंट्स को देखा हो, तो ईमेल जब करते हैं तो आप जब सामने अपना वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें आप पहले ईमेल जिसको आपने सेंड करनी होती है उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर नीचे आप सब्जेक्ट लिखते हैं यानी आपका आप किस क्या आप इसमें बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे आप वो प्रॉपर एक आपके पास कीपैड की फॉर्म में आ जाता है ख़त की सूरत में। अगर आप उर्दू में करना चाहें तो आपके पास उर्दू का सॉफ्टवेयर इन पेज होना ज़रूरी है, फिर आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे ख़त लिखा जाता है। जी इसके बाद नेक्स्ट देखें, प्यारे अब्बा जान अस्सलामुअलैकुम, आपका ख़त मिला, आपने मेरी तालीमी कारकर्दगी के मुतालिक पूछा है, काम की अंजामदेही कारकर्दगी का मीनिंग है। अब्बू मैंने पूरी जमात में अव्वल पोजीशन ली है, असातिज़ा मुझसे बहुत खुश हैं, खुश का मुतजाद होगा नाराज़, मैं रोज़ का सबक रोज़ याद करता हूँ, सबक की जमा असबाक, इसके साथ साथ मैं खेलों में भी हिस्सा लेता हूँ, साथ साथ कवायद की रूह से लफ्जी तकरार है, खेलों यहाँ पर जमा इस कवायद खेल। अब्बू मैंने जिमनास्टिक सीखनी शुरू कर दी है, जिमनास्टिक जिस्मानी मुशक्क़त के खेल, इसका मीनिंग होगा जिस्मानी मुशक्क़त के खेल। हमारे मास्टर साहब कह रहे थे कि बेटा तुम्हें जिमनास्टिक की खुदादाद सलाहियत मौजूद है, खुदादाद सलाहियत कहते हैं खुदा की तरफ से दी हुई, ऑलरेडी खुदा की तरफ से दी हुई एक सलाहियत जो आपके अंदर मौजूद होती है। अम्मी बाजी और बिट्टू कैसे हैं, सबको मेरा सलाम कहना, यहाँ पे सवालिया अलामत है, आपका बेटा साद। इन पेज पर उर्दू में ख़त लिखने के बाद इसे याहू या हॉटमेल के मेलिंग एड्रेस से मुंसलिक अटैच करके भेज सेंड कर दें। ईमेल की सहूलत आप मोबाइल फ़ोन पर भी दस्तयाब है, लिहाजा आप तार वगैरह लगाने के इंतजाम करने की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। जी अब ईमेल आप ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के थ्रू ही करें, अब आप अपने मोबाइल से भी ईमेल अपनी वेबसाइट ओपन करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी ईमेल, ये आपके सामने जब ईमेल आप किसी को सेंड करते हैं तो इस तरह का पेज आता है, उस पर आप टू लिखा हुआ है यानी आपने किसको ईमेल सेंड करनी है, नीचे आप सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, और नीचे फिर आपके पास ये कीपैड है, आप इसमें जो भी आप उस खात में अपनी ईमेल में जो भी आप बात करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये हमारे पास कंप्यूटर की पिक्चर ईमेल की पिक्चर हमारे पास खुलती है वेबसाइट पे। जी बेटा यहाँ आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस सबक के कुछ अल्फाज मायने आपको उन्होंने दिए हुए हैं, नेटवर्क जाल, ईमेल बरकी ख़त, फरीक का मीनिंग दूसरा, एहतमाल डर, आलमी दुनिया से मुतलिक, खुदा दाद, अल्लाह ताला की अता करदा यानी अल्लाह ताला की अता करदा,
सलाहियत। जी यहाँ पे आपने अल्फाज मायने भी याद कर लेने हैं। आई होप आप सब बच्चों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। ईमेल और इंटरनेट की अहमियत को से भी आप आगाह हो चुके होंगे। तो अब हम आज की डायरी की तरफ चलते हैं। आज की डायरी है कि सबक के अल्फाज मायने खुशखत कॉपी पर लिखें प्लस सबक की सरगर्मी बनाएं। सरगर्मी यानी एक्टिविटी। आप इससे रेलिवेंट आप कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं। कंप्यूटर की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ईमेल का ये वाला पेज अगर जैसे आपको आपकी बुक पे दिया हुआ है, ये पेज अगर आपको मिल जाए आप इसकी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इससे रेलिवेंट आपने खुशखत कॉपी पर एक्टिविटी ज़रूर बनानी है। ओके बेटा, आज की क्लास आई होप आप सबको अच्छी तरीके से रीडिंग की समझ आ गई होगी। और डायरी सब बच्चे अपना वर्क ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।